आसमान में जब पूरा चांद निकलता है तो हम उसकी चमक में खो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि वो खुले आसमान में भी कितना अकेला है। I love you. मुझे भी ऐसा ही अकेलापन महसूस हो रहा था। काश कोई मेरे दर्द को समझ सकता। अब तरुण को भूल जाना ही मेरे लिए अच्छा था, लेकिन अपने प्यार को भुलाना अगर इतना आसान होता तो दुनिया में प्यार की कद्र शायद होती ही नहीं। मैंने तय कर लिया कि तरुण के बारे में जरा भी नहीं सोचूंगी। एक तरफ मैं तरुण से दूर जाने की कोशिश में थी और दूसरी तरफ तरुण प्रिया के पास जाने के लिए बेताब था। रात रात भर वो बस यही सोचता रहता कि प्रिया ने कॉल क्यों नहीं किया, वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, वो ठीक तो होगी ना। एकदम से तरुण को याद आया कि प्रिया ने चैटिंग के वक्त उसे अपने ऑफिस के बारे में बताया था। बिना वक्त बर्बाद किए उसने अपना लैपटॉप खोला और गूगल से प्रिया के ऑफिस का पता लगाया। जैसे ही उसका पता मिला उसकी उम्मीदों को चार चांद लग गए। अगले दिन मैं ऑफिस में ये तय करके गई थी कि मैं तरुण की तरफ देखूंगी भी नहीं। मैंने अपने आप को काम में बिजी रखने की बहुत कोशिश की, पर तरुण के बारे में ना सोचना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। काफी देर तक मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था। काम के वक्त भी मैं बार बार अपना फोन चेक करती। आखिरकार मैं अपने इरादों के सामने हार गई और मैंने पलटकर तरुण की सीट की तरफ देखा। मैं कुछ देर के लिए चौंक गई। तरुण तो उस दिन ऑफिस आया ही नहीं था। जैसे ही तरुण को प्रिया के ऑफिस के बारे में पता चला वो उसे ढूंढने निकल गया। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की और फिर किसी ने उसको सही पता बताया। वो प्रिया को पहली बार देखने के लिए बेताब था। ऑफिस देखने के बाद उसके जान में जान आई, लेकिन वहां जाते ही वॉचमैन ने उसे साफ साफ बता दिया कि ये वो ऑफिस नहीं है जो वो ढूंढ रहा है। एक सेकंड के लिए तरुण को कुछ समझ में नहीं आया। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रिया उससे झूठ बोल सकती है। आपको क्या लगता है, प्रिया ने सच में तरुण को धोखा दिया? जानने के लिए देखिए कल सुबह 8 बजे। और मेरी तरह अगर आपने भी किसी से प्यार किया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।